नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं पैशन में क्रेजी यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुलदीप एंड यू आर वॉचिंग पैशन में क्रेजी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी तकनीक बेहतर होती है, गुट्टी बांधने की टेक्निक या फिर बड ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग या क्लफ्ट ग्राफ्टिंग। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज दैट विच ग्राफ्टिंग इज बेटर फॉर प्लांट्स, ए लेयरिंग और बड ग्राफ्टिंग, क्लफ्ट ग्राफ्टिंग एट्सेट्रा। एक ऑब्जर्वेशन के अंदर पाया गया कि 6 महीने पहले एक नींबू के प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग की गई थी और दूसरे प्लांट को ए लेयरिंग टेक्निक से तैयार किया गया था, और जो ए लेयरिंग वाला पौधा है उसके ऊपर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसके ऊपर फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हुई। इन एन ऑब्जर्वेशन इट वॉज फाउंड दैट ए सिट्रस प्लांट ग्रोन फ्रॉम ए लेयरिंग टेक्निक हैज़ स्टार्टेड ब्लूमिंग जस्ट इन 6 मंथ्स, बट द क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग सिट्रस प्लांट हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। इट वॉज ऑल्सो ग्राफ्टिड 6 मंथ्स अगो विद द ए लेयरिंग प्लांट। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कलम किए हुए पौधे की फैली हुई व्यापक जड़ प्रणाली के कारण पौधा तीव्र गति से बढ़ने पर जोर देता है और उस पेड़ पर शाखाएँ जल्दी जल्दी नई नई शाखाएँ आती हैं। जो जो वे शाखाएँ पुराने होती चली जाती हैं उनके ऊपर फल आने की संभावना बढ़ती चली जाती है और करीब 1-2 साल के बाद उसके ऊपर फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। द ए लेयर्ड प्लांट हैज़ ए ब्रीफ रूट सिस्टम बट द ग्राफ्टेड प्लांट हैज़ ए वाइड रूट सिस्टम ड्यू टू विच इट्स ग्रोज वेरी क्विकली एज द पैसेज ऑफ टाइम द न्यू ब्रांचेज बिकम ओल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रूट्स बिकम्स मोर एंड मोर। ऑलवेज यूज द ग्राफ्टेड प्लांट्स नॉट ए सिंपल सीड ग्रोन प्लांट बिकॉज इट हैज़ ए वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रूट्स, इट विल टेक्स ए लार्ज टाइम फॉर फ्रूट्स। कलम किए हुए पौधे का यूज करें क्योंकि जो सीड से ग्रो किए हुए पौधे होते हैं उनको काफ़ी टाइम लग जाता है फल आने में, या फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उनको, करीब 10 से 20 साल लग जाते हैं उनके ऊपर फल आने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।